हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, परवल की सब्ज़ी हम बना रहे हैं। इसकी रेसिपी हमने आपके साथ कई बार शेयर किया है, फिर भी बता देते हैं शॉर्ट में। वैसे परवल लिया है, परवल को हमने अच्छी तरह से धुल के उसका छिलका उतार के उसको कट कर लिया। देखिए, कुछ इस साइज में उसका बीज निकाल लिया। उसके बाद परवल को हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करके उसको बाहर निकाल के फिर हमने दोबारा से ऑयल डाल लिया था, फिर जीरा ऐड किया था, दो तीन प्याज हमने लिया था, तीन टमाटर। मसाले में आप सारे मसाले ले सकते हो, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारा हमने लिया था। लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज हमारा पक गया था तब हम मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले को हमने ऑयल छोड़ने तक पकाया था, मतलब एक दो मिनट मसाला पक गया तब हम टमाटर ऐड कर दिए। उसके बाद जब अच्छे से पक गया मसाला हमारा, तब हम इसमें फ्राई किया हुआ परवल, आलू दोनों ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप का कढ़ाई में पकड़ने लगा है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने पानी भी ऐड कर दिया है, नमक भी। अब इसको हम उबाल आने तक हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाँ, टमाटर और प्याज को हमने ग्रेवी टाइप में बना लिया था, यानी कि बारीक पीस लिया था, तभी सब्ज़ी जो होती है हमारी गाढ़ी सी बनती है ग्रेवी। और परवल की सब्ज़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि खड़े खड़े प्याज अच्छे नहीं लगते हैं परवल की सब्ज़ी में। अब इसको हम हाई फ्लेम कर देंगे उबाल आने तक, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। हमने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है, देख लीजिए आप लोग, बहुत टेस्टी बनी है। आपको अच्छी लगे कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।